तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो पुडिंग बनाने को। कल है अक्षय तृतीया, तो बनाते हैं कुछ मीठा मैंगो पुडिंग। बच्चों को बहुत पसंद आता है सभी टाइप के पुडिंग, और मैंगो पुडिंग की तो बात ही अलग है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, हमने इसमें ना अगर अगर और ना ही जिलेटिन यूज किया है, फिर भी एकदम परफेक्ट टेक्सचर बन गया है। उसके लिए ले लेंगे राइप मैंगो। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर से स्किन पील कर दिया है। बहुत इजी जाता है फ्रेंड्स इस तरीके से पील करने के बाद मैंगो कट करने के लिए। अगर ज़्यादा राइप मैंगो होगा तो हम अच्छे से पील नहीं कर पाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है। दूसरे भी मैंगो हम इसी तरीके से पहले पील कर लेंगे और बाद में कट कर लेंगे। अक्षय तृतीया को सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी कि परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, हिंदू परंपराओं में अक्षय तृतीया यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कामों को कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा बने रहते हैं। इस दिन कोई भी काम ग्रह की स्थिति और शुभ मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता, क्योंकि अक्षय तृतीया सबसे बड़ा मुहूर्त है। 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त माना गया है। ऐसा क्यों है कि इस तिथि को अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, जो हमेशा कायम रहे। भगवान परशुराम अक्षय है, इसी अमरता के कारण इसी तिथि को अक्षय तृतीया कहा गया है। इस तरीके से आप अक्षय तृतीया का महत्व जान चुके होंगे फ्रेंड्स। हम अक्षय तृतीया मनाते हैं, क्यों मनाते हैं आप बच्चों को भी समझाते जाइए, ताकि बच्चों को भी इसका नॉलेज रहे। इस तरीके से हमने आम को सबसे पहले मिक्सी जार में पीस लिया था। थोड़ी सी शुगर डाल के, आम के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसमें चीनी कितना जाएगी। अगर आम खट्टा हो तो चीनी ज़्यादा जाएगी, अगर आम मीठा हो तो चीनी कम जाएगी। उस हिसाब से आप चीनी डालिएगा और मिक्सी में से पीस लीजिएगा। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन में ये सभी मैंगो का पल्प डाल के इसे गरम करने को रख दिया है। डोंट वरी फ्रेंड्स, इसे कुछ भी नहीं हो जाएगा, मतलब ये फटेगा भी नहीं और कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से हम गरम कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप बहुत सारे पुडिंग्स बनाते होंगे, लेकिन विदाउट अगर अगर एंड विदाउट एनी जिलेटिन आपने नहीं बनाई होगी, तो इसमें आज हम डाल रहे हैं कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून एंड 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और 1/2 ग्लास जितना, छोटा ग्लास है फ्रेंड्स ये, दूध, ठंडा दूध, गरम नहीं, मिक्स करके हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। वाओ, परफेक्ट बन गया। अब हम इसे आम के पल्प में डाल लेंगे, ताकि उसका भी टेक्सचर एकदम परफेक्ट हो जाए पुडिंग बनने के लिए। शुरू से ही मैंगो का टेक्सचर पुडिंग बनने के लिए एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन वो अच्छे से बाइंड रहने के लिए हम इसमें डाल लेंगे कॉर्नस्टार्च एंड कस्टर्ड पाउडर का मिश्रण। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स, मतलब हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। कुछ तरफ ये मिश्रण जाएगा और कुछ तरफ नहीं जाएगा, इसलिए हमें कंटिन्यू मिक्स करते रहना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। आप देख पा रहे होंगे अब अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब आप बोलेंगे हमें कैसा पता लगेगा कि ये परफेक्ट हो गया है पुडिंग बनाने के लिए। आप देख सकते हैं अब की कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम झट से गिर रहा है और पैन नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा अभी वहाँ पे
रिमेनिंग रह रहा है पोर्शन। दो चीजों से पता लगता है फ्रेंड्स, आपको मैं आगे बताऊंगी। और एक तरीका है पता लगाने का कि जब ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, तो हमें पता लगता है कि ये परफेक्ट हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे। इसे और 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी परफेक्ट बन गया है। अभी पहले के जैसा रिबिन कंसिस्टेंसी में नहीं गिरता, आप देख सकते हैं धीरे धीरे गिर जाता है, उसके हिसाब से ये परफेक्ट बन गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम पुडिंग बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम वो बाउल को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इसे अच्छे से फैलाने के बाद हम इसमें पुडिंग यानी कि मैंगो का पल्प डाल देंगे। अच्छे से प्रेस कर लेना है। दूसरे बाउल में भी डाल लेंगे और अच्छे से टैप कर लेंगे। अभी गर्म है, इसे रूम टेम्परेचर पे कूल कर लेंगे और उसके बाद फ्रिज में सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें रखना है। 10 मिनट के बाद हम इसे फ्रिज में से निकालेंगे और इसके साइड्स छुड़ा लेंगे। हाथ से ही इस तरीके से छोड़ना है फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली निकल जाता है। अब मैं आपको आपके सामने ही इसे उल्टा करके निकाल कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स, एकदम परफेक्टली निकल जाता है। अगर इसे बनाने के बाद अच्छे से मोल्ड ना हो पाए तो पूरी मेहनत पानी में जाती है फ्रेंड्स। तो उसके लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनाइएगा और उसका मजा लीजिएगा। वाओ, बच्चे इसे काम करते समय जब पास में आते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे रिवर्स कर लेंगे। वाओ, बहुत ही अच्छे तरीके से अनमोल्ड हो गया है, ना कोई क्रैक्स है और ना ही कोई चिपचिपा हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बन गया है। वाओ, तो आप तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ना ही जिलेटिन यूज किया है और ना ही अगर, फिर भी ये कितना एकदम जेली टाइप बन गया है आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके बताती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट जेली के जैसा, एकदम सॉफ्ट। और हाँ फ्रेंड्स, और हमने इसमें जिलेटिन नहीं ऐड किया है, उसके वजह से ये हेल्दी भी है। बच्चों को हम इसे दे सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बनाइएगा अक्षय तृतीया के मुहूर्त के ऊपर और इसका स्वाद लीजिएगा, इसका मजा लीजिएगा। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी? एकदम इंटरेस्टिंग है ना? तो अब है टेस्ट करने की बारी। इतना मेहनत करने के बाद टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। वाओ, देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट। आसानी से हम इसे कट कर पा रहे हैं। वाओ, सुपर टेस्ट। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, झटपट बनाएगा और इसका मजा लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।